नमस्कार, दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम परिचर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन की, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्यों जलवायु परिवर्तन के क्या नुकसान है और क्यों होता है, इसको बचाने के क्या तरीके हैं, क्या कर सकते हैं हम कि इससे कम से कम नुकसान हमारा हो। आज हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक बीआर सिंह साहब, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। सिंह साहब, हमारा जो दर्शक है वो गाँव तक है और शायद आपकी वैज्ञानिक भाषा वो न समझ पाए, इसलिए हम चाहेंगे कि बड़ी सरल भाषा में चीज़ें समझाएं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग एक साइंस का शब्द समझ के छोड़ ना दे, वो उसको समझे समझ पाए, इसलिए हम चाहेंगे कि बड़ी सरल भाषा में चीज़ें समझाएं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग एक साइंस का शब्द समझ के छोड़ ना दे, वो उसको समझे कि उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक तक, सर मानसून एक बड़ा कारण है देरी से आने के पीछे, क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है या अलनीनो का भी प्रभाव है? ये ग्लोबल वार्मिंग और अलनीनो का क्या प्रभाव है और ये होता क्या है, हमारे दर्शक को बताएं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को सभी का यहाँ बुलाने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग जी ही मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का जी, और उसके जलवायु परिवर्तन के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहूँगा जी। तो जहाँ तक विकास की रफ्तार बढ़ी है वो अनियमित कह लीजिए तरीके से, अनसमित तरीके से जो भी उसको कह ले, उसको आगे बढ़ाने में ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य बढ़ाव हुआ है। और उसको हम अगर जोड़ें तो इस गति को देने में जी, जहाँ तक देखा जाए जनसंख्या बढ़ी हुई है, जनसंख्या बढ़ने से विकास में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, जैसे कहीं भी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो, और बिजली की शक्ति की ज़रूरत है। तो अगर हम इन्हीं योजनाओं को देखें तो इतना ज़्यादा आज अगर हम देखें तो बिना किसी भी ट्रांसपोर्ट के हम एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं जी। और उसके कारण जो प्रदूषण हमारे वातावरण में फैल रहा है या जितना हमारा ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे जितना प्रदूषण आगे बढ़ रहा है, वो जो पृथ्वी से दोहन हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो दोहन नहीं होना चाहिए था जी, और जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए, तो हम कोयला निकाल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन निकाल रहे हैं और उसको जला रहे हैं, और इसकी वजह से हमें वातावरण में जी हाइड्रोकार्बन के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रस नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब मिल करके हमें इसका एक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं जी, जी। और इसको ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसमें सब चीज़ों में विच्छेदन होता है जी। और वो एक तरीके से ये जैसे धुआं देहात में खाना बनाने के समय घरों में ये देखा गया धुआं फैलता है, तो इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस एक सतह पर जाकर के सघन धुएं के रूप में या ये वो बैठ जा रहा जी। उसका कारण ये बन रहा है कि अगर हम देखें तो जो सन की किरणें आती हैं पृथ्वी पर आती हैं तो दिन में पृथ्वी का सतह गर्म होती है, पृथ्वी पर जल हमें देखा गया समुद्र भी है तो पानी भी गर्म होता है, लेकिन दोनों का अनुपात गर्म होने का एक नहीं है। रात में अगर ठंडा होने लगती है पृथ्वी क्योंकि वो सन रेज जो आती हैं वो रेडिएशन से काफ़ी वापस चली जाती है उसकी गर्मी, लेकिन जो पानी में की सतह गर्म होती है वो कन्वेक्शन की वजह से वो गहराई तक पहुंच जाती है तो वो ठंडा नहीं हो पाती है। तो अगर हम देखें अगर इसी दिन में ही उसको सनरेज जो आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट जो कर रहे हैं जिसे रेडिएशन कहते हैं, ये
जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ऊपर जाके एक सतह बना दे, मान लीजिए हम उसको एक बादल का रूप समझ लें, तो उससे ये रेडिएशन जो होता है वो किरणें फिर वापस आ जाती अच्छा पृथ्वी पर, तो जितना वो ठंडा होना चाहिए वो उतना ना हो करके हमारी पृथ्वी गर्म ही बनी रहती है जी। अब इसका कारण है कि वो गर्मी ठंडी तो होती है लेकिन वो रिटेन कुछ होने लगती है धीरे धीरे करके, और पानी में गर्मी जो है वो कुछ न कुछ उसका उसके अनुपात में ज़्यादा रहता है जी। तो अब ये सब मिलकर के इस तरीके से हमारे इंडिकेटर्स करीब 9 इंडिकेटर्स मेजर हैं कि जो वातावरण है, जो पृथ्वी की सॉयल है, जो आपका पानी है समुद्र का जी, बर्फ है पड़ी हुई, ग्लेशियर हैं जी, इन सब को अगर देखा जाए तो एक अनुपात में अगर इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जी। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही, सतह पर बढ़ रहा और पॉल्यूशन उसके वातावरण में मिल रहा है, तो परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन होना बिल्कुल स्वाभाविक है जी। तो उस परिवर्तन को हमें रोकने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अब असीमित रूप से अगर हम पृथ्वी के अवयव का दोहन करेंगे तो वो जो चीजें लाखों साल से हजारों साल से पृथ्वी में पैदा हुई, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, कोयला है जी, उसको दोहन कर लेंगे तो वो इतनी जल्दी तो पैदा नहीं होगा, इसका मतलब कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी। अगर वो कम होता जा रहा है तो हमें ये भी है कि कल को ये जो हमारे एनर्जी का उपयोग हो स्रोत है वो कम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कहाँ से, ये भी एक बड़ी समस्या हो रही। दूसरा है कि पॉपुलेशन बढ़ने से जगह धीरे धीरे श्रिंक कर रही, लोग शहरों का विकास हो रहा है, चट्टान बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन रही हैं, और पृथ्वी पर जो सॉयल है वो कम होती चली जा रही क्योंकि इसके वजह से, तो पानी जो बरसात में गिरता है वो भी पृथ्वी में नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे पानी की सतह कम होती जा रही। इसका मतलब है कि पानी की सतह अगर कम हो जाएगी धीरे धीरे एक सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, पैदावार में कमी हो जाएगी। अगर इस तरीके से रेडिएशन हमें मिलता रहा तो इससे शारीरिक तमाम रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड किरणें सीधे आपको इसमें मिलेंगी, ओजोन लेयर की परत जो है ओजोन की वो कम होती जा रही क्योंकि इसमें जब इस तरीके के ग्रीन हाउस गैस पड़ रहे थे कि डेंगू है, वायरल फीवर है, मलेरिया है, तरह तरह के जो आप अभी जिनके रोग के बारे में जानकारी नहीं, नए रोग पैदा हो रहे हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब हमारा ग्लेशियर पिघलता है, अगर उसकी रफ्तार नीचे से कि जैसे एक गर्म भट्टी है देहात में, अगर देखें भट्टी है, गर्म कर दिया, तावा गर्म हो गया, बर्फ रखिए, बर्फ उस पर चिपकेगी नहीं। अच्छा, बर्फ तो अगर नीचे ठंडा है तो ठंडे पर ठंडा रुक जाएगा, वो थोड़ा गर्म होगा तो रुक जाएगा, तो वो अगर उसको जगह मिले चली जाएगी। स्थिति ये है कि ग्लेशियर भी धीरे धीरे हमें कम होते नजर आ रहे हैं और कम हो। मैं एक घटना का बहुत ही अप्रत्याशित घटना, दुखद घटना जो भारतवर्ष में हिमालय में पिछले बार केदारनाथ विभीषिका आई, उसका एक गलत तरीके से वो हुआ कि बादल फट गए। मेरा एज वैज्ञानिक एज इसमें एक सोच है जी, और जो सोच मैं लोगों को बताता हूँ वो सोच ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे निचली सतह गर्म हुई, चट्टानें जो हमारी 1000 मीटर है, 2000 मीटर एवरेज जो भी उसकी चट्टानें ग्लेशियर की हैं वो नीचे गर्म है, तो नेचुरल है कि बर्फ के बर्फ कहीं न कहीं क्रैक ऊपरी सतह पर आएगा। जब क्रैक आएगा तो बारिश, पहली बारिश होते ही क्रैक के थ्रू अगर पानी अंदर चला गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, चट्टाने स्लिप करना शुरू कर जाएंगे। यही कारण हुआ कि चट्टाने स्लिप हुई, चारों तरफ से धड़ाधड़ बड़ी बड़ी चट्टाने गिरना शुरू हो गई और चारों तरफ खतरा हो गया। मैं तो यहाँ भी अभी भी कह रहा हूँ, इस साल जलवायु में इतना परिवर्तन हो रहा है कि अभी तक मानसून आया नहीं है, बिल्कुल,
अगर ये मानसून फिर आता तो ऐसा न हो कि हिमालय के चारों तरफ यही स्थिति पिछले साल से ज़्यादा विभीषिका का पैदा हो जाए। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत ही बृहद, केवल ग्लोबल वार्मिंग और वो भी विकास की गति जो अंधाधुंध रफ्तार है, और ये इसका कारण हम ये कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं उसमें ज़्यादा है, विकसित जो हो रहे हैं, जो रफ्तार पकड़े हैं, इंडिया जैसे, चाइना जैसे, ये भी कम नहीं है। आज अगर हम उसके विश्व के मैप पर देखें तो स्थिति ये है कि चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, और वो करीब करीब 20 टन प्रति मैन प्रति ईयर के अनुपात में है, और उसी का नेक्स्ट फॉलोअर हो गया जहाँ की केवल 33 करोड़ आबादी है और चाइना में तो 170 के आसपास है। 33 करोड़ वाला 19.4 टन प्रति मैन प्रति ईयर पैदा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया तो आप समझिए 1.5 करोड़ में कौन सा देश आता है, ये अमेरिका, अमेरिका तो अब और थर्ड पर हम लोग पहुंच गए। हमारी स्थिति ये है, वो गई है कि 1.5, लेकिन हमारा प्रति मैन प्रति ईयर का इसलिए अनुपात कि एक 1.25 करोड़ की आबादी है, इसलिए कम है, लेकिन हमारे भी ये है। तो पूरे विश्व का आंकड़ा देखते हुए ये मिलियन टन्स हम लोग, वीआर सिंह साहब बड़ी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि 21वीं शताब्दी में ये सबसे बड़ा खतरा है। एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाए या एक विश्व युद्ध से जितना नुकसान होगा, बता रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान होगा। सिंह साहब, मैं ये इसके विभिन्न तरीके जो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ही चीज़ों में परिवर्तन हो उसमें थोड़ी सी जानकारी जोड़ना चाहूँगा इस समय इस चर्चा में। जी, हमने 2012 में एक किताब जी क्रोशिया ने चाहा, मैं उसके मुख्य एडिटर रहा और उस किताब को लिखा है, बल्कि हमारे सामने वो किताब पड़ी हुई है और 2012 में क्रोशिया से छपी जी। इसमें एक अंश पर हमने ये इंगित किया था, 2012 सितंबर में छपी, लेकिन इसको हमने एक साल पहले इसको जो लिखा था उस पर ये आया, हमने इसमें अंकित किया है कि मेजर स्टॉर्म कुड समर न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में न्यूयॉर्क के शहर का निचला हिस्सा तूफानों से डूब सकता है। और 16 अक्टूबर की ये किताब आई, और ये किताब 16 अक्टूबर को हमें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कापी आई। 31 अक्टूबर को वहाँ सैंडी आ गए, सैंडी ने एक से विकास विकसित देश है और उसमें बड़ी बात है, 15 दिन और उनकी एयर लाइंस भी बंद कर दी गई तमाम, उन्होंने 15 दिन से उस पर लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास किया। तो हमारे दर्शक बिल्कुल समझ रहे होंगे कि वैज्ञानिक हमारे लिए क्या बेहतर सोचते हैं और जो राय देते हैं उसको हम फॉलो करें। जो राय आज दे रहे हैं वीआर सिंह साहब, इसको भी फॉलो करने की जरूरत है। अभी बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं सर, इससे बचने के उपाय क्या क्या, हमारे ग्रामीण दर्शक के जाने कि इसको कैसे, इसमें बचाव किया जाए, क्या तरीके हो सकते हैं। मैं इसका मूल कारण पहले लेकर उस पर फिर उपाय। आज भी देहात में जो शाम का, दोपहर का, सुबह का खाना बनता है वो चूल्हे पर बनता है, लकड़ी उसका उपयोग किया जाता है, मुख्य आधार है। हम भी अगर हम अपने इस 68 साल पहले के देखते हैं, ध्यान देते हैं, बचपन का 5 साल और घटा दीजिए 62 साल पहले, तो देखते थे तमाम बगीचे थे जहाँ से लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियों का उपयोग हुए खाना बनता था। सही है, लेकिन ये पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वो तो पेड़ तो लगना छूट गया, खाने के उपाय के लिए सारा फार्मिंग तैयार कर दी गई, सारे उसको जितने उसको कहिए कि बगीचे, जंगलात सब खत्म कर दिए, खत्म हो गए। यही हालत हमारे डिफॉरेस्टेशन के हो गए हैं पहाड़ों में जी। तो अगर आप ये देखें, उसको हम एक बहुत ही सरल ढंग से बताना चाहेंगे कि ये कैसे
पृथ्वी में बायोलॉजिकल चेंजेस और कैसे आपके लिए उपयोगी चीजें होती थी। हम शाम का खाना धुआं बनता था और जो सांसें लेते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती जीवन के लिए और किसी भी जीव के लिए, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु कोई भी हो, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधे में ये थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करते थे और उसको फिर जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती थी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और जो वातावरण में वेपर होती थी जिसमें, उसको मिल करके वो एक H2O मतलब उसका पानी, जी। पानी हाइड्रोजन के उसमें पानी बन जाता था जी। जो पेड़ पौधे की पत्तियों को हरा भरा करता था, उधर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता था, कार्बन जो है धीरे धीरे पत्तियों के उससे रेशे से धीरे धीरे वो जड़ों के थ्रू जमीन में चला जाता जी। कोयले के उत्पत्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इन्हीं पेड़ पौधों के थ्रू जो कार्बन गया है धीरे धीरे हुआ, या कभी जंगलात कभी परिवर्तन हुआ और जंगलात पूरे पूरे दब गए और जमीन में चले गए और वो प्रेशर में पैदा हुआ, और इसी कारण हाइड्रोकार्बन मींस पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी पैदा हुए जो हजारों साल के प्रक्रिया में हुआ। तो अगर ये प्रक्रिया चालू होती और हम उसी अनुपात में अपने जंगल को पेड़ पौधों को जरूरत के हिसाब से बढ़ाते रहते तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। नहीं, लेकिन फैक्ट्री चल गई और धुएं पैदा हो गए और चीजें हो गई, तो जिसके कारण हमें ये ग्रीन हाउस चक्र टूट गया, और ग्रीन हाउस गैसेस में नाइट्रस, मीथेन, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिलकर ये ग्रीन हाउस गैस जो बादल के रूप में पहले हम आपको बता चुके होती है, जिससे हमारी रेडिएशन जो होता है वो चेक हो गया, तो धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगी। अब जलवायु का कारण क्या हुआ, जब आपकी इस हीटिंग से इस गर्मी से जहाँ बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघलना शुरू हो गई, जहां पर जाड़े में बर्फ जा करके स्नोफॉल होता था, बर्फ जमती थी, पिछले ही अभी जनवरी में देखिए कि हमें लगा कि लखनऊ, राजस्थान और यहाँ तक कि बिहार के कुछ क्षेत्र, हिमाचल और ये सब में तो चलिए ठीक है ठंडक महसूस, यहाँ लगा कि जैसे हम मसूरी में बैठे हुए, इतनी ठंडक और वो भी ठंडक इस स्तर तक मार्च तक चली, तो ये सोचिए कि ठंडक आई कहाँ से, राजस्थान में बाढ़ आ जाती है यार, कैसे आई, तो वो जब वहां पर बर्फबारी होती थी तो ग्लेशियर पर वो चिपकती नहीं थी, वो धीरे से टहल करके जमीन पर आ जा रही जी। मैदानों में आ गई, मैदानों में अगर आ गई तो उसका असर पूरे मैदान में फैल गई, तो अगर बर्फ वहां जम नहीं रही है, बर्फ लगातार गर्मियों में पिघल रही है, तो धीरे धीरे बर्फ की कमी होती चली है। वो बर्फ अगर चल रही है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा उत्तरी ध्रुव पर जी। उत्तरी ध्रुव पर नासा ने अपने सैटेलाइट से 16 सितंबर 2012 को पिक्चर लिया और एक तिहाई हिस्सा वहां बर्फ से हटा हुआ पाया, और जो 45 लाख वर्ग किलोमीटर नॉर्थ पोल है उसमें लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर ही मिला, एक तिहाई करीब करीब खत्म हो चुका है। तो आने वाले 20 साल 30 साल में हो सकता है गर्मियों में वहां बर्फ ही ना रहे, ये बर्फ जाए कहां, ये बर्फ दोनों मिल रही है कहां पर, वहां से चल कर अटलांटिक महासागर जी, जो यूके और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका कनाडा के पास से होते हुए बीच में ग्लेशियर्स भी हैं, आइसलैंड भी हैं, वहां आके मिलती है। तो पूरी पूरी अगर वहां पर आर्कटिक सी जिसे कहते हैं बर्फ की चट्टाने वहां हैं, उथल पुथल होता है, वहां पोलर बियर भी हैं, तमाम जीव जंतु जो हैं वो भी खतरे में आ गए, और वो भी आगे चल करके ऐसा ना हो कि समाप्त हो जाए, तो उसका असर क्या हो रहा है, ये जलवायु पर हो रहा है। यही नहीं, आपका जो समुद्र की सतह तो बढ़ी रही, आप अभी बता रहे थे किन देशों पर इसका बड़ा प्रभाव हाँ, पड़ेगा। तो ये मुख्यतः है, आप देखिए जहां बर्फ के उत्तरी पोल से मिल रही है वो जगह तो यूनाइटेड
स्टेट हो गया उत्तरी हिस्सा, और उधर यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन लंदन ये सब एरिया बहुत ही इफेक्टेड होंगे। वहाँ अगर बर्फ की ठंडी चट्टाने वहाँ पहुँच गई हैं तो एक तो पहले समुद्र में तुरंत बर्फ पानी में बदलेंगे, अगर पानी में भी बदलेंगे तो ठंडा पानी, तो वहाँ पर क्या होता है जीरो टेम्परेचर होने लगता है, और जीरो टेम्परेचर से वैक्यूम क्रिएट होता है और वो एकदम से कहीं ना कहीं हेवी बहुत हुरिकेन मतलब तूफान आ जाता है, चक्रवात जिसे कहते हैं, और नहीं तो एकदम से बर्फबारी पड़ जाती है, तीन तीन मीटर वहाँ बर्फ पिछले इसमें पड़े। सब भारत में इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और इससे बचने के भारत में तरीके क्या हैं? अब मैं भारतवर्ष को देखे तीन तरफ से तो ये समुद्र से घिरा हुआ है। पहली चीज समुद्र की सतह बढ़ेगी तो नेचुरल है कि जलवायु में परिवर्तन होगा जी। चक्रवात और जगह आएंगे तो चक्रवात की स्थिति यहाँ भी पैदा होगी, तीन तरफ से होने की वजह से चक्रवात भी यहाँ होंगे। जो हिमालय का हमारा पूरा आच्छादित है ग्लेशियर से, उसमें कमी होने से जैसे केदारनाथ की ट्रेजडी हुई ऐसी ट्रेजडी से भी हम कहीं ये बच नहीं सकते हैं अगर ये परिवर्तन हुआ तो। जलवायु में परिवर्तन अभी इस वर्ष ही देख लीजिए, आपका मानसून बहुत पिछड़ गया जी, डिले हो गया, ये भी डिले और ये भी कम रहेगा, कम क्योंकि अब अगर आप देखें तो धीरे धीरे आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, चीज़ें जो एक साइकिल चलती थी वो कम हो रही है, तो पूरे छोटे छोटे जितने टापू हैं छोटे छोटे जैसे जापान है, इधर इंडोनेशिया है, कोरिया है, मलेशिया है, ये सब कंट्रीज पर तो बड़ी भारी विपत्ति की संभावनाएं हैं। जी निचली सतह हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ जो इतने कछार एरिया हैं वो भी डूबेंगे, तो ये ही नहीं है कि परिवर्तन हमारा वातावरण में, और ये जैसे आपने कहा है ये युद्ध के तरीके से हो सकता है, ये एक आने वाला एक वार हो सकती है कि कहाँ जाएं कैसे रहें क्या करें। यही नहीं मैं तो अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर गर्मी बढ़ती है तो हम लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर है कि बिना बिजली के अभी काम नहीं चलेगा, बिजली से भी उत्सर्जन। मैं अब इसको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा उपाय, क्योंकि चर्चाएं हो गई हैं, हमारे पास समय ऐसा बहुत कम है, हाँ छोटी छोटी चीजों का उपाय करें। अभी भी देहात में देखिए हम लोग थैला लेके जाते सब्जी लेने, आज हम लेकर के प्लास्टिक की थैलियां जो उसका उपयोग भी बढ़ा रहे हैं और वो कहीं खत्म नहीं होती है। दूसरे ये है कि हम कम से कम बिजली का उपाय करें, नेचुरल चीजों का उपाय करें, CFL लगाएं, LED लगा दें, गाड़ियों में जा रहे हैं एक ही तरफ जा रहे हैं स्कूटर और उसकी जरूरत है दो लोगों को बैठा लें, गाड़ियों में बैठा लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, कम AC को कम करके रख लेते हैं, अच्छा। हमें 24-25 डिग्री 2 डिग्री बढ़ा लें तो क्या उसमें नुकसान, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो बहुत सी चीजें ऐसी। हमने एक वो बनाई थी कि मोटरसाइकिल पूरे इधर की कंट्री में ज्यादा है, हवा से चलने वाली मोटरसाइकिल जीरो पॉल्यूशन की मोटरसाइकिल है, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका आ गया। तो ये सब चीजें अगर करें जिसमें 50% ग्लोबल वार्मिंग रुक सकती है, अगर हम 80% मोटरसाइकिल है चाइना इंडिया कोरिया बुल्गेरिया सब जगह तो दो पहिया गाड़ी चल रही है, इंडिया में चल रही है, अमेरिका बड़ा उत्सर्जन करता है लेकिन उसने भारत से कहा कि उत्सर्जन कम करें, हाँ तो वो बड़े लोग हैं ये करते हैं, तो इन सब उपायों को करेंगे तो हमारे ख्याल से हम जलवायु परिवर्तन को रोक पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी तो जलवायु परिवर्तन हमारा रुकेगा और इन विभिषिकाओं से हम बच सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया वो हमारा अंदाजा है कि हमारे दर्शकों तक पहुँचा होगा, हम क्या करके चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे चीज़ों को सहज बना सकते हैं, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। आने वाले समय में अगर इन उपायों को हम नहीं करते हैं तो जाहिर हम एक खतरा मोल ले रहे हैं, इनको निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की बातों को इग्नोर ना करें, उनको टालें नहीं, उनकी बातों को सुने और उस पर गंभीरता से काम करें। इसी के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को उन्होंने ये सारी बातें बताई। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।